हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। जो दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे है उसका दूसरा सेक्शन भी चालू हो चुका है, जो कि एमपी में है। शुरुआत में ये दिल्ली से चालू हुआ था, सोना से लेके दौसा तक का रोड कंप्लीट हो गया था। वहाँ से आप आ सकते थे, दिल्ली से जब भी आपको जयपुर जाना हो, दौसा जाना हो, तो आप वहाँ ऑलरेडी आ सकते थे। लेकिन अब जो है वो एमपी में भी चालू हो चुका है। दिल्ली मुंबई का दूसरा पार्ट जो सेक्शन एक तो बीच में छोड़ दिया गया है, कोटा का जो कोटा एरिया है वहाँ पे अभी जल्द ही चालू होने वाला है, वो भी जल्द ही चालू हो जाएगा। वो 200 किलोमीटर बीच में रह गया है। उसके आगे आपका जो नीमथोड़ है एमपी में, नीमथूड़ नाम की जगह है एमपी में, वहाँ से फिर से दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है। उसके आगे 200 किलोमीटर तक, 245 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक टीम रवानी नाम का एक झबुआ नाम की जगह है, वहाँ तक आप सफ़र कर सकते हैं। टोटल 245 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं एमपी के अंदर। यहाँ सारे टोल प्लाजा चालू हो चुके हैं। अगर आप गुजरात की तरफ सफ़र कर रहे हैं, मुंबई की साइड से, मुंबई साइड सफ़र करेंगे तो नीमथूड़ से आपको एंट्री करना होगा और वहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जिट करना होगा यहाँ पर आके टीम रवानी पर, जो कि ठंडला नाम की एक जगह है, वहाँ पर टोल प्लाजा बना हुआ है एग्जिट करने के लिए, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से आप दोस्तों इंदौर जा सकते हैं, देवास जा सकते हैं। आप कई ऐसे शहर हैं जो इस एक्सप्रेसवे के आसपास ही है।